भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शिव शंभो। आज हम सारे जो लोग एकत्रित हुए हैं धर्मा ट्रस्ट एम्प्लाइज एसोसिएशन की ओर से, पिछले लगभग 2 महीने से धर्मा ट्रस्ट मैनेजमेंट एवं धर्मा ट्रस्ट एम्प्लाइज एसोसिएशन का मत मतांतर चल रहा है। वेतन जो है वो जस्टिफिकेशन हो उसके ऊपर, और जितना वेतन एक आम आदमी को चाहिए वो वेतन डिपार्टमेंट हमें नहीं दे रहा है। उस मांग को लेकर, मांगे तो वेतन के साथ साथ अनेक प्रकार की हैं, लेकिन मुख्यतः कम से कम इतना वेतन हमें हमारे एम्प्लॉयज को मिल जाए जिससे उसका रोटी गुजारा चल सके, वो मांग कर रहे थे। उस मांग में एक हमारी मीटिंग हुई, मीटिंग में एकत्रित हुए लोगों ने जो रोष प्रकट किया डिपार्टमेंट की, और वो उनको अच्छा नहीं लगा, और उसके परिणाम स्वरूप हमारे 5 एम्प्लॉयज को सस्पेंड कर दिया गया। हमारी कोई भी वो मांग मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका ये कहना है, जिन्होंने साफ हमें लिख के दे दिया है कि हमारे पास पैसा नहीं है। ये जो इस समय वैश्विक महामारी चल रही है इसका भी सहारा ले रहे हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि जो हम एम्प्लॉयज हैं, हमारे 20-25-25-30-30 साल की सर्विस जहाँ दी है, हमें पता है कि यहाँ पर कितना पैसा है। ये जो रोशनी एक्ट के अंदर 25,000 करोड़ का आपने घोटाला सुना होगा थोड़े दिन पहले, ये इसके आगे कुछ भी नहीं है। धर्मा ट्रस्ट एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट था, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के बाद जितने मंदिर जितने भी देवालय बने थे उनके साथ सैकड़ों नहीं हजारों कनाला जमीनें उन्होंने राजाओं ने गैर के रूप में लगाई थी, जिनको सब बेच बाच के खा गए। और ये जो लोग हैं अभद्र भाषा का प्रयोग हमारे ऊपर लांछन लगाते हैं, हमें ये समझ नहीं आती कि ये जो लोग एकत्रित हुए हमारे एम्प्लॉयज, जो 2 वक्त की रोटी जिनको नसीब नहीं है, जब वो बोलेंगे तो अभद्र नहीं तो भद्र कैसे बोलेंगे। तो हमारे आपके माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि कृपया मैनेजमेंट जागे। क्या क्या डिमांड है आप? हमारी डिमांड जो है वो वेतन को लेकर ही एक डिमांड जो है मुख्यतः है। रही बात कि ट्रस्ट के अंतर्गत मुलाजिम को क्या क्या दिया जाता है, वो जैसे आवासीय योजना है रहने की, तो आप जहाँ देखोगे जो टीन उन्होंने डाल के दी होती है जो हमारे मुलाजिम को, वहाँ कुत्ता भी नहीं रह सकता। रोजगार के जितने भी रूल हैं वो जहाँ फॉलो नहीं किए जाते हैं। कुछ चापलूस लोग जो लोग हैं वो ऊपर जो हमारी मैनेजमेंट है उनके साथ मिलकर प्रताड़ित करते हैं, कोई बंदा अगर बोले तो उसको हरासमेंट करते हैं, अनेक प्रकार की जो हमारी मांगे हैं। लेकिन मुख्यतः जो वेतन है वो एज पर श्राइन बोर्ड हमने रखी है, और श्राइन बोर्ड के मुताबिक पे देना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 1986 में श्राइन बोर्ड का संगठन हुआ था। श्राइन बोर्ड माता वैष्णो देवी हमारा ही एक अंग था, इन्होंने वहाँ पर भी उसको जो हमारा वैष्णो देवी का श्राइन था उसको सुचारू रूप से नहीं चला सके, तो जगमोहन जी ने उसको टेक ओवर किया। ऐसे ही जितने बाकी वाले जो रह गए मंदिर, हम उपराज्यपाल जी से भी आपकी ओर से संदेश देना चाहेंगे कि जो पैसा जहां आता था वो स्थान आपने ले लिए, और जहां की पैसे की इनकम नहीं थी वो स्थानों को भी आपने देखना चाहिए था। तो मुख्यतः हमारी जो वेतन की ही डिमांड है, हम वो वेतन की डिमांड के लिए हमें किसी हद तक भी जाना पड़ा तो